के वही कर्मचारी है जो दिल्ली को सबसे पहले उठकर साफ सुथरा बनाते हैं। कर्मचारी मट्टी धूल मलमूत्र में कार्य करता है, उनको मेडिकल कास्ट कार्ड की सुविधा दी जाए। अब नौकरी से निकाल दिया, 7 महीने से हम धरने में बैठे हैं। हर किसी नेता के पास, हर किसी अधिकारी के पास जाते हैं और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। और स्वागत है आपका जनहित आवाज में। मैं इस वक्त राजघाट के अटल बिहारी समाधि के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कर्मचारियों का, उसी को लेकर के ये लोग अंदर एंट्री करने गए थे लेकिन इनको एंट्री नहीं दी गई है, तो अभी इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यवान सारसर है, दिल्ली नगर निगम में डिप्टी चेयरमैन हूँ और अखिल भारतीय पर्यावरण में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आप लोग अंदर पहुंचे थे, अंदर जाने की जो है इनसे अनुमति ले रहे थे, क्या कुछ कह के आपको जो है अंदर बाहर कर दिया गया? नहीं, उन्होंने अनुमति दी है 11 जनों की। हम माननीय श्री अटल बिहारी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर पुष्पमाला चढ़ा के आए हैं और उनसे कामना करके आए हैं। जो आपके प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको कुछ ज्ञान दें और सफाई कर्मचारी के बारे में सोचें, क्या वो भुखमरी की कगार पर हैं, उनका जीवन, उनके बच्चों का जीवन, उनके लिए भी सोचें। तो ये पेंशन का भी आप लोग बता रहे थे कि पेंशन का मुद्दा है, पेंशन तो बिल्कुल खत्म ही कर दिए, तो पेंशन का भी क्या मुद्दा है? हम भी कहते हैं जैसे राजस्थान के अंदर 2004 से पेंशन बहाल की है, हम भी चाहते हैं दिल्ली के अंदर भी पेंशन बहाल हो और जो सारे सरकारी कर्मचारी हैं सबको पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन सर ये जो पेंशन का जो मुद्दा है, 2004 से अटल बिहारी जी की जब सरकार थी उन्होंने ही खत्म की थी और जो खत्म करने वाले व्यक्ति हैं उन्हीं से आप मांगने आ रहे हो, क्या लगता है वो आपको मिलेगा कुछ? बिल्कुल मिलेगा जी है? जैसे पूरे भारत में 2004 से पेंशन बंद हुई, राजस्थान सरकार ने खोला ना, अपनी इकाइयां खोल सकती है, क्योंकि जो दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बैठा हुआ केजरीवाल जी, वो भी चाह सकता है कि 2004 के बाद जो पेंशन बंद थी वो खुल जाए और सब कर्मचारियों का शोषण होना बंद हो जाए। उनका तो कुछ है? हाथ में तो कुछ है ही नहीं, वो तो एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अंदर, वो तो हमेशा यही बोलते हैं कि उनके हाथ में ना एलजी है ना पावर है। तो एलजी नहीं है, एलजी तो उनके हाथ में है ना, एलजी से सारे जो दिल्ली चला रहा है वो एलजी साहब चला रहे हैं, एलजी साहब से भी गुहार करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से गुहार करते हैं, केंद्र सरकार से भी गुहार करते हैं, क्या 2004 से जो पेंशन बंद है वो पेंशन बहाल की जाए। सर अभी आप लोग जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि पर फूल और पुष्प चढ़ाने गए थे लेकिन अभी जो पेंशन की बात बताई तो उन्होंने ही जो है बंद कर दी थी, तो अब इसी पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम पवन टाक है और मैं क्रांतिकारी सफाई मजदूर मुक्ति मोर्चा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष व दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन का उपाध्यक्ष हूँ मैं। और हमारा जो अभी हमें 11 आदमियों की अनुमति मिली थी, जैसा कि आपने बताया कि पेंशन के बारे में, जो पेंशन है बिल्कुल कर्मचारी का हक है, कर्मचारी का बुढ़ापे का सहारा है, ये बिल्कुल बहाल है और बहाल करनी चाहिए क्योंकि 2004 से पेंशन बंद की गई थी लेकिन इसको दोबारा हम लागू कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं और कुछ राज्यों में हो भी चुकी है। हम सोच रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में इसको पुरानी पेंशन पे लागू किया जाए, 2004 के बाद जो कर्मचारी लगे हैं या पक्के हुए उनको भी पेंशन का पूरा लाभांश दिया जाए। केजरीवाल जी तो इस समय नोट पे लक्ष्मी और गणेश का फोटो लाना चाह रहे हैं, सर आप कैसी बात कर रहे हैं, पेंशन लागू कर सकते हैं? देखिए, केजरीवाल बड़े ढोंगेबाज नेता है, उन्होंने जब निगम में जब दिल्ली सरकार उनकी में मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उन्होंने सफाई कर्मचारियों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि कर्मचारियों को पक्का भी किया जाएगा, कर्मचारियों को जो उनका जो बेनिफिट है, जो पक्का होने का बेनिफिट है वो भी दिया जाएगा, समय वेतन दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये जो हमेशा ड्रामेबाज करते हैं, झूठी सरकार का अपना दिलासा देते हैं, हम केजरीवाल जी से भी कई बार हमने कहा और मिले भी है लेकिन उन्होंने भी हमारे जो कर्मचारियों की कोई समस्या का निदान नहीं किया है। हम माननीय केजरीवाल जी से भी आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि दिल्ली के वही कर्मचारी है जो दिल्ली को सबसे पहले उठकर साफ सुथरा बनाते हैं और दिल्ली की राजधानी के सभी निवासियों को जानलेवा बीमारी से बचाते हैं। आप इनकी तरफ ध्यान दें और जो भी आपके मूलभूत सुविधा आपके अंडर में आती है वो कर्मचारियों को समय पे दी जाए। देखिए, ये इसके बारे में मैं आपको नहीं कहूँगा, ये हम तो सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड है, ये मुद्दा अलग है। बाबा साहब देखो, हमारे दलितों के मसीहा है। तो दिवाली मना रहे हैं? नहीं, दिवाली बिल्कुल नहीं होनी, काली दिवाली मनी है इस बार। और जो भी हमारे सफाई कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया, इसके लिए हमने सिविक सेंटर जो हमारा मुख्यालय है
गेट नंबर 5 पे हमने रोष प्रकट भी किया था और हमने प्रदर्शन भी किया था। हमारा जो है दिवाली पे वेतन नहीं दिया गया, हमने इसलिए काली दिवाली मनाई हमारे सफाई कर्मचारियों ने और आपके चैनल के माध्यम से निगम में बैठे आला अधिकारी और निगम में बैठी सरकार। हम चाहते जल्द से जल्द हमारे कर्मचारियों की सुनवाई करें, हमारे कर्मचारी को पक्का किया जाए। हमारा कर्मचारी जो कर्मचारी मट्टी धूल मलमूत्र में कार्य करता है उनको मेडिकल कार्ड की सुविधा दी जाए, कार्ड की सुविधा जाए। हमारे कर्मचारी 20 साल से 25 साल के बच्चे कर्मचारी है उनको पक्का किया जाए। देखो राजेंद्र पाल जी गौतम जी जो है वो हमारे सम्मानित है, लेकिन जो है कर्मचारियों के लिए तो आज यूनियन ही लड़ाई लड़ रही है। अभी तक तो कर्मचारियों को कोई हमने ऐसा कोई लीडरशिप में कोई देखा नहीं है राजनीतिक पार्टी में जो कि वाल्मीकि समाज और जो सफाई कर्मचारियों की मांग डिमांड को लेके किसी अपना सदन में या किसी पार्लियामेंट में ऐसा कोई करे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हमने बड़े बड़े आंदोलन किए और हमने सिविक सेंटर भी प्रदर्शन किए, हमने जो है अपने अभी एलजी हाउस में प्रदर्शन किया था, कई बार हम प्रदर्शन कर चुके, लेकिन ये शांतिपूर्वक हम यहाँ अपना एक मैसेज दे रहे हैं सरकार को कि आने वाले टाइम में हमें जो है वाल्मीकि समाज बड़ा दुखी है, जो कर्मचारी बड़ी मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा है, हमारे सफाई कर्मचारी बड़ी दुखी है, उनकी तरफ देखे और उनके जो मांग डिमांड है हमारी उनको पूरा किया जाए ताकि हमारे दिल्ली में जो सफाई कर्मचारी है सफाई का काम जो है सुचारू रूप से कर सके और अपनी निगम को सेवा देता रहे। धन्यवाद। ज्ञापन किसको देंगे आप? ज्ञापन अभी देखते हैं किसको देंगे आप? अभी हमारे ज्ञापन देंगे, अभी जो हमारे बीच में हमारी बात हो रही है लगातार, जो हमारे जो है बीजेपी के कई बड़े बड़े लीडर है वो देखते हैं कौन शाम को आता है या देखते हैं। मैम अभी आप लोग भी यहाँ पर धरने प्रदर्शन करने आए हुए हैं, तो अभी क्या कुछ है आपकी दिवाली काली बताई जा रही, काली दिवाली मनाई है? अभी तक तो हमसे कुछ भी नहीं कहा, दिवाली से पहले का कहा था दिवाली हमारी ऐसे चलेगी। हम दिवाली से पहले भी गए राजीव बब्बर के यहाँ, वो मिले नहीं थे, उनके पापा ने कहा आपका हो जाएगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं आया। मतलब आप लोगों को क्या सांत्वना दी जा रही है, क्या हवाला दिया जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? बस यही कह रहे थे आपका हो जाएगा, अभी तक तो कुछ नहीं कहा, मुद्दा हाथ नहीं आ रहा कि कौन हमें लगवाएगा कौन नहीं लगवाएगा। हमारे सर हमारे साथ नाम है आपका? रजनी। कहाँ से आई हैं आप? जनरल हॉस्पिटल शामिल जाना है दोस्तों, वहाँ पे आप भी काम करती हैं? जी जी। मैम क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी कहाँ से आई हैं आप? जनरल हॉस्पिटल से। अच्छा वहीं से आप लोग आए? स्वामी दयानंद हॉस्पिटल। ये मतलब आप लोगों का हमेशा से ये मुद्दा रहा है कर्मचारियों की, हमेशा से पैसे और सैलरी बहाल नहीं की जाती है, हमेशा से आपको हवाले दिए जाते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों सरकार? मैम सैलरी का तो हमारा कोई मुद्दा ही नहीं है, हमारा मुद्दा है नौकरी का। जब हमारे पास नौकरी नहीं होगी तो हमारी सैलरी कौन देगा और कहाँ से आएगी सैलरी? 7 महीने हो गए हैं, 30 मार्च को हमें बिना नोटिस बिना इन्फॉर्मेशन दिए हमें नौकरी से निकाल दिया उन्होंने। अब नौकरी से निकाल दिया, 7 महीने से हम धरने में बैठे हैं, हर किसी नेता के पास हर किसी अधिकारी के पास जाते हैं और सिर्फ आश्वासन ही मिलता है और हमें कोई पक्का कोई ये नहीं बोलता कि हाँ भाई आज आप या कल आप इस तारीख को या इस दिन आप ड्यूटी पे चढ़ जाओगे। मतलब बिना नोटिस के आप लोगों को निकाल दिया जा रहा है? जी, हम 14 साल से हम कार्यरत थे उस हॉस्पिटल में और हमने कोरोना काल में भी बहुत अच्छे से उनकी सेवा की है, मरीजों की बहुत अच्छे से सेवा की है, हर तरीके से हमने अपने घर परिवार बच्चों को छोड़ के मरीजों की सेवा करी कोरोना काल में। और लेकिन उस कोरोना काल में हमें ये इनाम दिया है उन्होंने कि हमें नौकरी से निकाल के सड़क पर लाके खड़ा कर दिया। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी हैं वो लगातार महिलाओं के लिए तो इतना कुछ बोलते हैं, यहाँ प्रांगण से बोलते हैं कि वो कुछ नहीं करते के? तो प्रधानमंत्री जी अगर प्रांगण से कहीं से भी महिलाओं के लिए बोलते हैं तो एक बार धरने पे आके क्यों नहीं देखते हैं? क्या धरने की रिपोर्ट उनके पास नहीं जाती? वो आके एक बार भी पूछते हैं आके कि धरने पे क्यों बैठी है महिलाएं, इन्हें क्या परेशानी क्या दिक्कत है? कभी आके पूछो उन्होंने, ना किसी अधिकारी ने पूछा, ना किसी नेता ने पूछा, ना प्रधानमंत्री ने पूछा, ना सीएम ने पूछा। वो तो पैर धुलते हैं आपके, कर्मचारियों के पैर धुले जाते हैं उनके साथ खाना। मैडम जो पैर धोते हैं वो सब ढकोसलेबाजी है, हम नहीं मानते इस चीज को। अगर वो हमें हमारी नौकरी दे दें तब हम मानते हैं हाँ वो सच में इस देश के लिए प्रधानमंत्री सही साबित है। तो आपके लिए मतलब ये नौकरी ज्यादा है, पैर धोना मतलब नहीं? लेकिन जो है योगी जी भी ऐसा ही करते हैं। मैडम पैर धोने से हमारे बच्चे नहीं पलेंगे, हमारे नौकरी करने से बच्चे पलेंगे। अगर पैर धोने से हमारे बच्चे पले तो हम तो अपने पैर धुलवा ले, हमारे बच्चे पल रहे हैं तो। लेकिन जब हमारा काम हमारा पेट हमारे बच्चों की एजुकेशन हर चीज सिर्फ नौकरी से है पैसे से है तो हमें पैर नहीं धुलवाने, हमें नौकरी चाहिए हमें काम चाहिए। नहीं हमें जो है कुछ नहीं मिलता, ना 5 किलो राशन मिलता, और 5 किलो राशन देने से क्या हमारे बच्चों का पेट भर जाएगा? और चलो बच्चों का पेट भर जाएगा, क्या उनके एजुकेशन उनकी जो पढ़ाई है लिखाई है वो सब पूरी हो जाएगी? एक 5 किलो राशन से सब कुछ नहीं होता,
5 किलो राशन से के घर जब हम रेंट पे जो लोग रह रहे हैं क्या उनका रेंट चला जाएगा, उनका किराया चला जाएगा, उनके बच्चे पल जाएंगे? मैं नहीं मानती कि 5 किलो राशन से सारा कुछ हो जाएगा जो सीएम ने जो चला रखा है। सर मेरी बात सुनिए, एक जैसे इंसान सब एक जैसे इंसान नहीं होते, ठीक है? हम लोग इस लालच में वोट नहीं देते, हम लोग इस लालच में देते हैं कि हमें जो है सरकार से कुछ सुविधाएं मिलेगी, हमारे बच्चों को लेके हमें लेके कुछ सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन हमारे जैसे सोच वाले हर कोई नहीं है। कोई इंसान एक साड़ी में, एक लेडीज या किसी पौवे में, बोतल में कोई बहक जाता है और वोट दे देता है, लेकिन हम उनमें से नहीं है। हमें तो सिर्फ हमारी रोजी रोटी चाहिए। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं हर खाते में 15-15 लाख आएंगे, और ये भी कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। मैडम कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने किसी के अकाउंट में 500-500 रुपए भी डाले, 1000-1000 भी डाले, बोल रहे थे कि ये क्या कहते हैं सीएम, ये कोई हाँ पीएम योजना जो कार्ड बन रहे थे वो, हाँ जनधन योजना के कार्ड वार्ड बन रहे थे, हमारे पास में कोई सुविधा नहीं आई है, कोई कुछ नहीं आया हमारे पास। जनधन योजना में भी मतलब इस तरीके का ही हुआ है, लेकिन लोग तो वो लोग कौन है जो बोल रहे हैं हाँ वाकई में जनधन योजना से उन्हें। मैडम हमारे साथ में तो देखो ऐसा कुछ हमें कहीं से कहीं तक कोई भी सुविधा नहीं मिली है। शायद हो सकता है उन लोगों के पास उनको सुविधा मिली हो तो इसलिए वो बोल रहे हैं, लेकिन हमारे जब हमें कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो हम उस चीज को कैसे नकार दें कि भाई हमें सुविधा मिली है? जब हमें सुविधा नहीं मिली तो नहीं मिली। तो आज यहाँ बैठने का मकसद बताइए और आगे क्या कुछ करेंगे? मैडम यहाँ बैठने का मकसद हमारा वही मुद्दा उठाना है कि जब कमिश्नर ने हमें दिवाली से पहले नौकरी पर चढ़ाने का आश्वासन दिया था और यकीन दिलाया था कि एक हफ्ते पहले आप सभी लोगों को नौकरी पर चढ़ा दिया जाएगा, और वही दिवाली निकल गई है, एक हफ्ते से ज्यादा हो गया है, ना तो कोई डेट फिक्स हुई है, ना ही किसी ने हमें बोला है कि हाँ भाई इस तारीख को आपको चढ़ाना है। यानी कि जो कमिश्नर का कमिटमेंट था ना वो भी झूठा साबित हुआ जो कमिश्नर ने बोला था। सरकार से लेके कमिश्नर तक सारा मतलब जो सिस्टम है वो आपको सिर्फ आश्वासन ही देता, आश्वासन ही दिया। मैडम हमें किसी ने ना ये नहीं बोला कि हाँ आज आप इस तारीख को ड्यूटी पे चढ़ जाओगे या आपको ले लिया जाएगा, तो इसलिए ना मेरी तो ये है ना हम लोग यहाँ धरना बैठने से और यहाँ पर आवाज बुलंद करने से आपकी आवाज वहाँ तक पहुँचेगी। मैडम कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे, अगर हम अब चुप बैठ गए ना तो आगे की लड़ाई हम नहीं लड़ पाएंगे और हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य भी खराब हो जाएंगे। और अगर हमें ये आंदोलन अगर जारी रखना है तो इस आवाज को हमें उठाना पड़ेगा। सर दिवाली निकल गई है लेकिन हमने अपना जो है धरना प्रदर्शन जारी कर रखा है, जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे और ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, और अगर भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा तो हम भूख हड़ताल पे ही बैठेंगे। नहीं हमारे ट्रेड यूनियन के जो लीडर हैं वो हमारे डीसी कपिल सर हैं और वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे इंसान हैं, जो हमें आज हम जो लड़ रहे हैं ना सिर्फ उन्हीं की बदौलत लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमें लड़ाई लड़ना सिखाया, नहीं तो हम नहीं जानते थे कुछ भी। सर इस बारे में तो खैर देखो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमें यहाँ का पता चला था तो हम तुरंत यहाँ पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे हमारा भी मुद्दा था, तो जहाँ हमारा मुद्दा होगा हम वहाँ जाएंगे। तो ये देखिए आप कितनी विडंबना है, देश का जो कर्मचारी है जो हमेशा ही आप लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश हमेशा से जारी रखता है, आपके घर घर का कूड़ा करकट तक उठाता है, आपके मल तक ढोता है, गंदगी तक साफ करता है, जो इनकी इन्हीं की बदौलत जो हर सड़कें हैं चमचमाती दिखती हैं, जो हर कार्यालय है वो चमचमाते हुए दिखते हैं, लेकिन आज उन्हीं की हालत देखिए कि आज रोडों पर आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है लेकिन इनकी आवाजें सुनने वाला कोई नहीं है। सोचिए इनको दिवाली तक काली मनानी पड़ी है, कई लोग जो बोल रहे हैं उनकी दिवाली नहीं, उन्होंने काली दिवाली मनाई है, और लगातार इनको आश्वासन देकर इसी तरीके से ठगा जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि इन्हीं के वोटों के द्वारा सरकार सत्ता में आती है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वोट लेने के बाद आखिर इनको क्यों आश्वासन ही दिए जाते हैं, तो ये सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, राजघाट दिल्ली।